स्कूल फ्रेंड्स हम, फिर ये चला गया था ऑस्ट्रेलिया चला गया था, फिर अभी वापस आ गया। क्वेटा क्वेटा है कि नहीं है जी? जो बात है क्वेटा क्वेटा है। बंदा जिस मुल्क में चला जाए ना, 10 दिन का शौक होता है, उसके बाद बंदा बोर हो जाता है। चलो जी बस ये छोड़ाइए, खास स्लिप बनाओ ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है आप सबके? सर्दी कैसी है क्वेटा वालों बताओ? इतने दिनों बाद व्लॉग आ रहा है क्योंकि यार बस तबीयत ख़राब हो गई, सर्दी आ गई, बस सर्दी लग गई। ये तो लाजमी है, जब भी सर्दी आती है बुखार ज़रूर होता है, ख़ासकर ज़ुकाम। ज़ुकाम ने तो ऐसा अटैक किया ना, अभी तक मुझे अटैक है ज़ुकाम का। मैंने कहा बस यार बहुत ज़्यादा रेस्ट कर लिया, अभी थोड़ा सा निकलते हैं, व्लॉग श्लॉग बनाते हैं, ठीक है ना। अभी सुबह का वक्त है, तुम लोग देख सकते हो सुबह के 7 बजे, फिर घर नरम नरम बिस्तर छोड़ के मैं आ चुका हूँ व्लॉग बनाने। और तुम लोग अभी तक अगर तुम लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो ये फिर 9 साफी हो जाएगी। मैं सुबह सुबह उठ रहा हूँ इतनी सर्दी में है, व्लॉग बनाने तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, फिर तो मेरा नाराज़ हो जाए ना तुम लोग से, फिर तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अच्छा जी, आजकल हमारे मेरे दोस्तों के अंदर खासकर ऐसा हो रहा है कि जब किसी से मिलना हो ना, कोई नया दोस्त आया हो, किधरी से आया हो, या कोई 2 हफ्ते बाद दोस्त से मिलना हो ना, शाम दिन रात का कुछ नहीं पता भाई जान, तुमने मिलना है सिर्फ सुबह के 7 बजे मिलना है। यार तू पागल है सुबह के 7 बजे कौन मिलता है किसी के दोस्त के साथ? अच्छा वो भी दोस्त बेचारा नींद से उठा है, आज सब सलाम अलैकुम, उसको भी समझ नहीं आ रहा अगले बंदे को कि कौन खड़ा है। अच्छा सही दोस्त, अच्छा तुम है, वालेकुम सलाम, चले चले हाथ धो गई भाई। चलो जी दो आजी साहब आ रहे हैं बाइक पर, फिर बस फिर आपको वेलकम हो गया जी माउंटेन हाइकिंग पार्ट, पता नहीं कौन सा साहब। सलाम अलैकुम आजी साहब, कितने बन गए यार। बात ऐसी है कि यार तुम लोग अभी क्वेटा वाले, अभी तुम लोग को ये व्यू पसंद नहीं आता, तो कुछ लोग ऐसे थोड़े बहुत मेरे बाहर के लोग भी देखते हैं, उनको पसंद आया तो मैंने कहा यार छोड़ो तुम लोग को थोड़ा हाइट पे जाकर व्यू दिखाते हैं। कैसा जी साहब, सही किया ना मैंने? अभी जल्दी करो यार पराठे शायद खत्म हो। चलो यार अब मैं तो बैठ गया, किधर मेरा आप सो रहे। चलो जी बाइक शाइक निकाल ली, ठीक है, वहाँ पे पार्किंग की जगह, तो पार्किंग में खड़ा करेंगे बाइक, फिर उसके बाद हाइकिंग करेंगे। और इतना भारी बैग मुझे दी थी, इसमें ईंट जमा किए तुमने है, लकड़ी ईंट जमा किए इसमें इतना ज्यादा। तो चलो जी चलते हैं। हाजी साहब लेट्स गो, वही मेरे हाथ जम गए वही ब्लॉग। अरे भाई साहब श्रावलेख जब मारो कैच करेंगे हम, चिकन तंदूरी आ जाएगा वाला। अभी हमारे यहाँ पे पराठे शराठे लग रहे हैं बहुत सारा, 8 दाने पागल है तो क्या है, पेट है मार्केट है, पेट है मार्केट है। कुछ दिनों की बात है या कुछ महीनों की बात है, बस एकदम फिर फुल देसी माहौल वाला व्लॉग दिखाऊंगा, फुल एकदम देसी, हर चीज़ देसी, ठीक है, चारों तरफ ग्रीनरी, पंजाब, पंजाब में जाएंगे व्लॉग श्लॉग बनाएंगे। पंजाब की तो बात ही अलग है, फिलहाल नहीं जा सकते पंजाब क्योंकि भाई साहब एक तो स्मॉग है और फॉग है, फॉग तो समझ आता है ठीक है, स्मॉग भाई साहब जहरीली गैस है बहुत, तो वहाँ पे 4 बजे के बाद स्मॉग फॉग सब कुछ हो जाता है। क्या दिखाऊँ आपको, उसके बाद असल शुरू होता है दिन शाम को जब सूरज आता है ना, तब बहुत खूबसूरत व्यू होता है वहाँ का, तो फिलहाल उधर नहीं जा सकते। और उधर की सर्दी, पंजाब की सर्दी, आय हाय क्या बात, मैं कहता हूँ उस्ताद सीधा ही दिल पे लगती है ठाक करके ठाक करके, आय हाय हाय। अभी यहाँ से ऊपर की तरफ फिर निकलते, अच्छा जी हमारे साथ एक नया बंदा भी है मुजम्मिल भाई, खैर ब्लॉग के खाते दूसरी दफ़ा सलाम दुआ कर रहे हैं। स्कूल फ्रेंड्स हम, फिर ये चला गया था ऑस्ट्रेलिया चला गया था, फिर अभी वापस आ गए। क्वेटा क्वेटा है कि नहीं है जी? जो बात है क्वेटा क्वेटा है, बंदा जिस मुल्क में चला जाए ना, 10 दिन का शौक होता है, उसके बाद बंदा बोर हो जाता है, ऐसी है। बस अभी मुजम्मिल भाई को आतिफ भाई ने, बंदा मिलता है कोई रेस्टोरेंट में मिलता है, कोई अच्छी जगह मिलता है, सुबह सवेरे 7 बजे वो भी हाइकिंग के लिए इसको बुलाया सिर्फ मिलने के लिए। बस ऊपर की तरफ निकलते हैं, और इतना हैवी बैग भी है, थक गए हमारे नौजवान, मेरा कला नौजवान थक गए यार, ये भी थक गए, फिर
कि कौन थक गया? मेरा मतलब थक नहीं गया। ओ बुला रहे तुमको। आए बर्फ होती ना पहाड़ में आती, और क्या प्यारा व्यू होता है यार, क्या मजे का होता है। बर्फ है लेकिन दूसरे पहाड़ पे यार। अच्छा हमको सिखा रहा है वो, तुम लोग देख सकते हो सामने वाले पहाड़ पे बर्फ है, इस पहाड़ पे नहीं है यार, अगर होता तो और ज्यादा सीन खूबसूरत हो जाता। तो तुम लोग देख सकते हो आहिस्ता आहिस्ता करके बंदे भी आ रहे, बहुत ज्यादा ऊपर भी चढ़ गए। ये सिर्फ हम शौकीन नहीं है, यहाँ के सारे लोग शौकीन है माउंटेन हाइकिंग के। बस वो सामने आखिरी चढ़ाई है, उसके बाद फिर पराठा होगा, है ना? हाँ क्यों नहीं, चल तुम ऊपर चढ़ फिर अंडा पराठा उसके बाद होगा। खाने के लिए आया भाई। भाई साहब मैंने इनको बोला कि बस आखिरी चढ़ाई है, इनको बहाने से और आगे ले जाएंगे। आ जाओ आखिरी चढ़ाई है उसके बाद बैठ जाएंगे। रिस्क खतरनाक जगह पे गए, रिस्क लेना चाहिए इंसान को जिंदगी में। स्लिप है नहीं है स्लिप। चलो जाओ छोड़ो थक गया यार चलो उठो हिम्मत। अच्छा बैग इतना भारी है, मैं ऊपर चढ़ो बैग वापस मुझे नीचे फेंक रहा है। चलो जी बस ये छोड़ाइए, ख्याल से स्लिप ना हो ना, बाकी खैर है। स्लिप छोड़ दियो नहीं हो जाएगा। नहीं होगा यार, जवान आदमी। ये मेरा बंदा फौज में जा रहा है यार, इस हालत में इसको फौज में नहीं ठुडा मार के निकाल देंगे इसको। तू मेरा पुत्र मसीह का रहे हैं। हिम्मत शाबाश, ये बात क्या बात है। बस वो लोग फिर बैठ गए, मैं इसको मोटिवेट करूँ, ये चढ़ गया पीछे वाले बैठ जाते। फिर फाइनली जी एक पहाड़ ख़त्म हुआ है, ठीक है अब इसके बाद एक और पहाड़ चढ़ना है। ये वाला पहाड़ 445 मिनट्स में कंप्लीट हो गया, अभी ऊपर वाला पहाड़ देखते हैं। ये थोड़ा रास्ता है बस, इसके बाद पर किधर ही बैठ जाएंगे। चलो जी फाइनली पहुंच चुके हैं, फाइनली बर्फ उधर बना हुआ है, बर्फ उधर यार, काश किस पहाड़ पे होता। चल रहे उधर, चलो यार उधर चलते रहे। तो नहीं नहीं जाओ यार, तुम बोलो मैं ऑस्ट्रेलिया वापस जा रहा हूँ वापस। ये बैठने की जगह यहाँ पे अच्छी जगह है, यहाँ पे बैठ जाते। चलो यार बैठ जाते हैं, चलो वरना तो आगे जाना तो चलो उधर से। चलो यार उस चलो जम मारो सीधा यार, तुम सुपरा मैन है, जम मारो ऊपर यार। इनकी इन पे इनके हालत पे रैम खाओ। इसने मुझे बोला था कि ये बैग भारी है, दोनों मिलकर उठाएंगे। भाई साहब शॉट हो गया, नजर नहीं आ रहा था। मैंने इसकी हालत पर रहम खाया, मैंने कहा खैर यार कोई नहीं हम उठा लेते, इतनी टेंशन की बात नहीं है। भाइयों सीन कुछ ऐसे है और इसी की तो पैसे है, क्या बात है। तो बंदे यहाँ पे बंदों ने यहाँ पे अपने लिए जगह भी बनाई है नीचे, वो एक वो बैठने की जगह है, इसी नीचे थे जो आपको पहले दिखाया था, बैठने की जगह बनाई है। तो यहाँ पे ये हमारा होशियार बंदा यहाँ पे बैठ रहा था, हमने कहा नहीं भाई सीन कुछ ऐसे है, इसी की तो पैसे है। हाँ मैं अपनी बीमारी में इतना चढ़ा आया, मुझे यकीन नहीं आ रहा खुद पर। हाँ अभी बीमारी फील हो रही है तन बदन में। चलो अभी नाश्ता वगैरह करते हैं, ठीक है फिर आग बाग का भी सिस्टम है, थोड़ी सर्दी हो रही है अभी, आहिस्ता सर्दी हो रही है क्योंकि पहाड़ों पे बर्फ़ है। आहा इस पहाड़ पे बर्फ़ होता ना मज़ा आ जाता। ये चाय किसने बनाई है? किसने बनाई है? अच्छा तारीफ करो। अच्छा यार क्या बात है आतिफ जात, मैं कहता हूँ उस्ताद ऐसी चाय मेरी जिंदगी में आज तक नहीं पी, क्या बात है आतिफ, क्या बात है, गरूर नहीं करना इंसान को। 8 चम्मच काफी है, तुमने नहीं 9 भी ले 10 भी ले। आहा मजा आ गया और धूप भी निकल गई, इसको इधर रखे पराठे को। आहा क्या बात है, अंडे और पराठे गरम गरम अंडे, कमाल है क्या बात है। वर्थ इट है कि नहीं है, पे नहीं बोलो, मैं बोला ना ऊपर जाएंगे मजा आएगा तुम लोगों को, इसकी बातों में कभी नहीं आना, नाम का बॉडी बिल्डर है सिर्फ। सर्दी हो गई, सर्दी उस्ताद सर्दी हो गई यार, आग शाख जलाओ उस्ताद, आग शाख जलाओ, आग शाख देखेंगे आतिफ की महारत देखेंगे। पहाड़ों से आईफोन मिल गया, क्या बात है, आईफोन मिल गया ओ भाई यार।
टाइम लैप नहीं, टाइम लैप्स। वो मेरी वीडियो बन रही है, तुमने खराब किया था, छुड़ा मारू तुमको अभी। अच्छा आईफोन भूल जाते थे बंदा, कोई मैं खुद को भूल जाऊंगा, फोन नहीं भूलूंगा। As the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. हाँ कोतल, इसका नाम इन्होंने कोतल रखा है, मतलब सब ने रखा है, ये नहीं कोतल है, ये बोतल है। कोतल कोतल रखा है। अभी मुझे नहीं पता कोतल का मतलब क्या, नहीं तो बता देता आपको, बस जो नाम है बस नाम से पुकारते हैं। हम कोतल आए थे, मजा आया, बहुत मजा आया। यहाँ पे गेट लगा हुआ, ठीक है, यहाँ पे तुम लोग एंट्री कर सकते हो खुद की, दस रुपये फीस है, मजाक करो। खैर अभी घर की तरफ निकलते हैं क्योंकि आज जुम्मा है, फिर आगे जुम्मे की नमाज भी पढ़नी है, तो फिर देखते हैं उसके बाद आगे का सीन। चलो जी बस अभी डाउन टू अर्थ जा रहे हैं, तो अभी मोबाइल बचाओ अपना, पाँव बचाओ, अगर स्लिप हो गया फिर प्रोग्राम बढ़ जाएगा। वो तो वही बोर हो ना, मेरा तो एकदम बढ़ गया। हाँ जब मेरी बात इसने नहीं मानी, खुद से होशियारी की, मुझे मैंने कहा मुझे रास्ता पता है, चलो नहीं नहीं भजन कच्चे के रास्ते में घुस गया, स्लिप हो गया सीधा। उससे मगर इसका ब्लॉग बनाता, मिलियंस व्यूज जाते मेरे, ऐसा गिरे ना, स्लो स्लो स्लिप हो गए। ख्याल ख्याल मजा आया, बड़ा मजा आया, क्या बात है, बस क्या बात है, वो आगे आगे मजा आ गया, बस इसको पीट यही ठीक है। बस अगले हफ्ते भाई जा रहे हैं, नहीं तो इसको और भी जगह घुमाते हैं, वो भी देखा जाएगा भाई, देखा जाएगा। हाँ यार ये भी मुझे पता ही नहीं था तुम जल्दी, ओ एक महीने पहले आए हो, रबते में था ना, मेरे साथ रबते में नहीं था, नहीं तो इसको हम घुमाते बहुत ज्यादा जगह। सब्सक्राइब कर दो यार, मैं सुबह इतना सुबह उठाऊँ ब्लॉग बनाने के लिए, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, मैंने पत्थर मार देना तुम्हारा सर फोड़ देना, सब्सक्राइब करो। हाँ भाई स्लिप हो जाएगा बेचारा। हाँ जी तो घर आ चुके, नमाज भी पढ़ ली, दाढ़ी शाड़ी भी काट ली, तो बस अभी आगे व्लॉग बनाने की हिम्मत नहीं है भाई साहब, सर्दी लगी है, बुखार हो रहा है मुझे, अभी बुखार हो रहा है, तो बस अभी मैं लगाऊँ सोने। आज आज के व्लॉग में ऐसा हुआ कि आज हमारा दोस्त आया था, आज नहीं बल्कि एक महीने पहले हम दोस्त आया था स्कूल में, हम एक साथ थे सिक्स क्लास से, हमारे मेरे साथ पढ़ता था, फिर ये शायद एट क्लास में चला गया था, हाँ एट चला गया था, एट क्लास में चला गया था ऑस्ट्रेलिया, अभी चार साल बाद वापस आया, तो बस अभी उससे मिला हूँ, अभी थोड़ी देर सोता हूँ तो रेस्ट रेस्ट करता हूँ थोड़ा, यार तबीयत डाउन है, फिर शाम को फिर उससे मिलते हैं बस। खैर और व्लॉग नहीं बना सकते, जितना बना लिया बस सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक भी कर दो, बस व्लॉग आएंगे, बस टेंशन नहीं लो, बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए, सब्सक्राइब नहीं है ना, खैर नहीं है, अल्लाह हाफिज़, बूम। We'll be right back.